करेंगे रिलेटेड टू इनिशियलाइजेशन, रिलेटेड टू गाइस हम आज आगे का पार्ट करेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिक्लेरेशन, हमने क्रिएशन पार्ट डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू इनिशियलाइज. इनिशियलाइजेशन गाइस, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, हमें इनिशियलाइजेशन सीखना है. सो हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? सो देर आर टू वेज बाई विच वी कैन इनिशियलाइज एन एरे गाइस, देर आर टू वेज बाई विच वी कैन इनिशियलाइज एन एरे. ओके, सो फर्स्ट अप्रोच है गाइस, यहाँ पर हमने जो एरे बनाया है लो. ओके गाइस, लेट मी क्लियर आउट ऑल दिस थिंग्स गाइस. हियर हियर हमने कल एरे को डिक्लेयर किया है. ये पार्ट एरे डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन, सॉरी ये क्रिएशन पार्ट है. राइट एवरी वन, यस और नो? ये डिक्लेरेशन पार्ट है और ये क्रिएशन पार्ट है. नाउ गाइस, मैंने अगर ए ऑफ टेन बोला है, ए ऑफ टेन बोला है, तो मेमोरी के अंडर गाइस एक, मेमोरी के अंडर एक एरे क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? द वन वन एरे विल बी क्रिएटेड इनसाइड द मेमोरी, राइट एवरी वन? यस और नो? सो फॉर एग्जाम्पल गाइस, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट साइज होगा, ये सेकेंड होगा, राइट? ये हमारा थर्ड साइज होगा, ये फोर्थ आ जाएगा, ये फिफ्थ आ जाएगा, ये हमारा सिक्स्थ साइज आ जाएगा, ये सेवेंथ, राइट? ये एट्थ, एंड देन गाइस नाइन्थ एंड टेंथ. सो अगर गाइस इस पर्टिकुलर एरे का नेम ए है, इफ योर एरे का नेम इज ए, अगर ये एरे का नेम ए है, तो गाइस जब भी डेटा स्टोर होगा वो कैसे स्टोर होगा? ये ए ऑफ जीरो, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा ना? यस और नो एवरीवन? योर इंडेक्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑफ जीरो, करेक्ट? आई मीन जो भी नेम है गाइस, एरे का नेम ए है, तो मैंने ए से गाइस ए ऑफ जीरो, फिर ए ऑफ वन, फिर आपको नेक्स्ट डेटा जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा ए ऑफ टू में मिलेगा. देन यू विल बी गेटिंग इट अंडर वॉट? यू विल बी गेटिंग इट एट ए ऑफ थ्री, करेक्ट? ए ऑफ थ्री में मिल जाएगा आपको, राइट? देन नेक्स्टली गाइस आपको ए ऑफ फोर, यहाँ पर आपका ए ऑफ फोर आ जाएगा. हियर योर नेक्स्ट लाइक लोकेशन विल बी ए ऑफ फाइव, करेक्ट? नेक्स्ट लोकेशन विल बी गाइज योर ए ऑफ, योर नेक्स्ट लोकेशन विल बी जो कि डिटरमाइन होगी ए ऑफ सिक्स से, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑफ, गाइज यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑफ सेवन, राइट? ये सुनो, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑफ एट, दिस विल बी योर ए ऑफ एट गाइज, एंड लास्टली आपका आ जाएगा गाइज ए ऑफ नाइन, करेक्ट एवरी वन? यस ऑनो? इसी तरीके से इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट स्टोर होगा कि नहीं होगा गाइज? यस ऑनो? आपका एरे के अंडर इंटरनली जो डेटा, आई मीन जो भी मल्टीपल डेटा है, इस तरीके से गाइज डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट गाइज? अगर मैंने यहाँ पर बोला है इंटीजर गाइज, मैंने यहाँ पर एरे एरे डिक्लेयर किया, करेक्ट? यहाँ पर मैंने एरे को क्रिएट किया गाइज, मैंने न्यू कीवर्ड, अगर मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा तो क्या क्रिएट होगा गाइज? व्हाट विल बी हैपन विद दिस न्यू कीवर्ड? क्या होता है? व्हाट हैपन्स बाय यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड? इंटरनली मेमोरी में क्या होता है गाइज? इन जावा व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड? इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं? ये सुनो, ये सुनो गाइज, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो अगर गाइज हम इसका ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, तो जैसे एरे जो होगा गाइस, एरे जो होगा, एरे एक क्लास होगा गाइस, यस और नो? एरे एक क्लास की तरह होगा, या फिर गाइस जो एरे होगा, एरे का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा क्लास होगा गाइस? जावा में हर एक क्लास का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट. तो एरे का भी, एरे का भी गाइस सुपर मोस्ट क्लास कौन सा आ जाएगा? That will be your object class, definitely guys, क्योंकि आप object बना पा रहे हो यहाँ पर. Array का super class will be nothing but object class. Okay? तो guys, simply आपका इस तरीके से guys internally आपका जो size है, वो size के हिसाब से array create हो चुका है. ये create हो चुका है guys. This is something कि आपका create हो चुका है. Now guys, ये जो location है, इसमें हमें value initialize करना है. ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, इस पे जो डेटा रहेगा वो हमें इनिशियलाइज करना है. तो गाइस, हाउ टू डू द इनिशियलाइजेशन? पहला तरीका है गाइस कि हम इंडेक्सिंग वाइज इनिशियलाइजेशन करेंगे. कि अगर गाइस हमने इस तरीके से एरे क्रिएट किया है, तो अभी गाइस यहाँ पर इस एरे के अंडर मुझे डेटा ऐड करना है. सो गाइस, डेटा ऐड करना, रिमूव करना, सर्च करना,
डिलीट करना, एरे के अंडर कोई भी प्रीडिफाइंड मेथड नहीं होती, ये हमने ऑलरेडी कल क्लियर कर चुका हूँ गाइज मैं आपको, राइट। इसीलिए एरे का ये एक डिसएडवांटेज है, एरे डजेंट प्रोवाइड यू एनी सॉर्ट ऑफ प्रीडिफाइंड मेथड जिससे आप एरे के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल गाइज, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, आपको एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। तो गाइज ये एरे है, दिस इज योर एरे, एरे का नाम है गाइज ए। तो ये ए ऑफ, गाइज ए ऑफ इंडेक्स ऑफ जीरो पे, ए ऑफ इंडेक्स ऑफ जीरो पे, फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया 10, ठीक है। मैंने गाइज ए ऑफ 1 पे वैल्यू स्टोर कर दिया, गाइज ए ऑफ 1 पे मैंने वैल्यू स्टोर कर इनिशियलाइज कर दिया 20, ठीक है। गाइज मैं ए ऑफ 3, सॉरी ए ऑफ 2 इस पर्टिकुलर गाइज लाइन पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 30। गाइज मैंने ए ऑफ 4th, सॉरी 3rd लोकेशन पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया गाइज 40, है ना। एवरी वन यस और नो, इस तरीके से मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया। नेक्स्ट थिंग गाइज मैंने ए ऑफ 4th लोकेशन पे मैंने स्टोर कर दिया गाइज 50। लाइक दिस गाइज मैंने डेटा को इनिशियलाइज कर दिया। मैंने एरे कितने साइज का बनाया गाइज, एरे का साइज कितना है 10। टेन तो गाइज इस टेन तरीके से 10 साइज का आपका एरे बन गया। अभी ए ऑफ 0 में फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने यहाँ पर 10 स्टोर कर दिया, ए ऑफ 1 में मैंने 20 स्टोर कर दिया, ये वैल्यू दे दिया गाइज। ए ऑफ 3 में मैंने ये 30 करके वैल्यू स्टोर कर दिया, यहाँ पर अभी मैंने 40 करके वैल्यू स्टोर कर दिया गाइज। नेक्स्ट थिंग मैंने यहाँ पर 50 करके वैल्यू स्टोर कर दिया। तो गाइज मैंने यहाँ तक टिल ए ऑफ 4 तक वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, आगे के वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है क्या, आगे के गाइज लोकेशन को हम आई एम यूटिलाइजिंग, बाकी के लोकेशन को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ क्या, नो नो। तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइज, इस केस में आपका मेमोरी वेस्टेज होगा कि नहीं होगा, हियर हियर ऑल दीज लोकेशन, ये इनका मेमोरी वेस्टेज होगा कि नहीं होगा गाइस, यस और नो। सो एरे के साथ मेमोरी वेस्टेज होता है कि नहीं होता गाइस, यस और नो, डेफिनेटली होता है, ये ड्रॉबैक है इसका। और एक गाइस एक बार आपने एरे क्रिएट कर दिया, ये एक बार एरे क्रिएट हो गया, इसके बाद रन टाइम पे, रन टाइम की बात कर रहा हूँ गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे तो मैं खुद यहाँ से जाके वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट रन टाइम, रन टाइम पे एरे का साइज कभी भी ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, एरे का साइज कॉन्स्टेंट रहता है। वंस एरे इज डिक्लेयर्ड उसका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा गाइज, वंस एरे इज डिक्लेयर्ड इसका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट इज द रीजन गाइज ऑलवेज एरे के साथ मेमरी वेस्टेज होता है ना गाइस एवरीवन। व्हाई मेमोरी वेस्टेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एरे, बिकॉज वंस एरे इज डिक्लेयर्ड, एक बार गाइस आपका एरे, सॉरी एरे डिक्लेयर हो गया, यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, एरे क्रिएशन हो गया, वंस योर एरे इज, एरे का साइज इज डिक्लेयर्ड, मैं साइज बोलता हूँ गाइस, इसका मैंने साइज स्पेसिफाई किया, साइज जब भी मैंने डिक्लेयर किया, एक बार जो हमने साइज गाइस उसको साइज स्पेसिफाई किया, डिक्लेयर किया, उसके बाद रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम रन होता है, डायनेमिकली गाइस एरे का साइज ना ही ग्रो होता है ना ही श्रिंक होता है, ना ही वो इंक्रीज होता है ना ही वो डिक्रीज होता है। इसीलिए गाइस देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ मेमोरी वेस्टेज विच आर एसोसिएटेड विद द एरे, इज दैट क्लियर एवरीवन। मेमोरी वेस्टेज का जस्टिफिकेशन आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है गाइस कैसे मेमोरी वेस्टेज होता है जावा में, सॉरी एरे में, एवरीवन इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ओके सो गाइस ये एक पार्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करना था, सो इस तरीके से गाइस मैंने यहाँ पर डेटा ऐड कर दिया। गाइस ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वे जिससे आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो, दिस इज वन वे बाय विच यू कैन इनिशियलाइज एन एरे। एक और तरीका है गाइस, मैं एक और एरे बनाता हूँ, मैं एक और तरीका बताता हूँ गाइस आपको। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंटीजर, गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर, लेट्स से मैंने बी करके गाइस एक एरे बनाया, दिस इज माई बी एरे गाइस, ये बी एरे है, इक्वल्स टू गाइस इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज नहीं करता हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द न्यू कीवर्ड गाइस, मैं न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली गाइस। ये वाला जो पार्ट है ऑल दिस, ये क्या है, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन पार्ट, एम आई राइट, यस और नो, ये आपका इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन है, यस और नो, ये इनिशियलाइजेशन है कि नहीं है गाइस, यस और नो, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, एम आई राइट, एम आई राइट एवरीवन, ये इनिशियलाइजेशन है राइट। तो अभी मैं डिक्लेरेशन अलग कर रहा हूँ, क्रिएशन अलग कर रहा हूँ,
कैन आई डिक्लेयर एंड कैन आई इनिशियलाइज इन अ वन सिंगल गो गाइस, इन अ वन गो कैन आई डू इट? यस और नो? मैं कर सकता हूँ, ये भी यस आपको पता है. लाइक दिस गाइस, मैं न्यू लेट से इंटीजर फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने 5 साइज का एक एरे बनाया. सो योर दिस वे गाइज, दिस वे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर योर एरे का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड गाइज डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन एक ही साथ हो रहा है. एम आई राइट? यस और नो? यस और नो एवरीवन? योर डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन अ सिंगल गो. मैंने इनिशियलाइज नहीं किया गाइज यहाँ पर. सो वॉट आई कैन डू गाइज, नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पर लेट्स से एक और एरे बनाता हूँ. लेट्स से गाइज मैं इस बार ओके ठीक है इंटीजर टाइप का ही एरे ले लेते हैं गाइज. इंटीजर लेट्स से हमने इंटीजर सी नाम का गाइज मैंने एक एरे बनाया इक्वल्स टू न्यू. ओके गाइज, नाउ गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ मैं डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक साथ देख लिया. नाउ इनिशियलाइजेशन भी मैं करके दिखाता आपको इन अ वन को. तो मैं ऐसे कर सकता हूँ गाइज, हियर आई कैन यूज द करली ब्रैकेट. करली ब्रैकेट के अंडर गाइज, करली ब्रैकेट के अंडर हम लोग वैल्यूज दे देंगे. लाइक हियर विल गिव द वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पर वैल्यू है 100. लेट्स से नेक्स्ट वैल्यू है 110. नेक्स्ट वैल्यू है 11120. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 1130. नेक्स्ट वैल्यू है 140. नेक्स्ट वैल्यू है 150. लाइक दिस गाइज, मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दिया. तो गाइज ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका डिक्लेरेशन प्लस क्रिएशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक ही साथ हो रहा है. हियर योर डिक्लेरेशन क्रिएशन प्लस इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन एवरीवन, इनिशियलाइजेशन एक ही इन अ सिंगल गो हो रहा है. योर डिक्लेरेशन क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन अ वन गो हो रहा है. दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट. तो ये भी एक तरीका है गाइस. कैसे है? तो देखो, यहाँ पर मैंने इंटीजर इंटीजर टाइप का एरे बनाया विच इज सी. इसके अंडर गाइज मैंने करली ब्रे, यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट दे दिया. इन साइड द करली ब्रैकेट वी कैन गिव द वैल्यूज गाइज. फॉर एग्जाम्पल चलो छोटे नंबर ले लेते, जैसे कि 5, 10, 12. गाइज 5, 10, 12. लेट्स से 17. लेट्स से मैंने ले लिया गाइज 21. लाइक दिस, ये वैल्यूज मैंने असाइन कर दिया, दीज वैल्यूज मैंने असाइन कर दिया, है ना. तो इस तरीके से गाइज, जब भी हम लोग एरे बनाते हैं तो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स इंटरनली, क्या होता है गाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एरे में हो रहा है वैसे ही एक एरे बन जाएगा लाइक दिस. इस एरे को गाइज डिनोट किया जाएगा विथ सी, इसका नाम सी है, राइट. सो नाउ गाइज इसमें पार्टीशंस क्रिएट हो जाएगा. ओके लाइक दिस, यू विल बी हैविंग द पार्टीशंस गाइज, यू विल बी हैविंग द सर्टेन पार्टीशंस लाइक दिस गाइज. इस तरीके से आपका पार्टीशन रहेगा. ओके सो नाउ ये जो है गाइज सी, सी ऑफ जीरो, सी ऑफ जीरो पे आपने जो फर्स्ट वैल्यू दिया है गाइज, हियर whatever value you have given which is 5, ye c of 0 mein guys first location pe inside the first location aapka value store ho jayega. Here aapka initially guys yahan par aapka first value which is nothing but 5, 5 value yahan par store ho jayega. Next value guys jo bhi hai aapka which is nothing but 10, ye aapka 0th location pe store nahi hoga, uske aage ke location pe which is nothing but c of 1 pe store ho jayega. So here guys internally c of वन में, सी ऑफ वन में गाइस हियर क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगा विच इज नथिंग बट 10. नेक्स्टली गाइस आपका सी ऑफ टू पे कोई डेटा आ जाएगा. सी ऑफ टू पे कौन सा डेटा आ जाएगा, द नेक्स्ट वैल्यू विच इज नथिंग बट 12. ये 12 वैल्यू गाइस आपकी यहाँ पर आ जाएगी सी ऑफ टू पे, है ना. नेक्स्ट आपका सी ऑफ थ्री आ जाएगा. सी ऑफ थ्री के अंडर गाइस आपका नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा विच इज नथिंग बट गाइस 17, दिस वन, ये वाला वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, देन गाइज नेक्स्ट वन आपका सी ऑफ फोर आ जाएगा. सी ऑफ फोर आ जाएगा आपका गाइज. सी ऑफ फोर अगर है तो सी ऑफ फोर के अंडर गई सिंपली आपका जो भी वैल्यू विच इज नथिंग बट 21 यहाँ पर आ जाएगा लाइक दिस. अगर गाइज ये कंपाइल टाइम है, कंपाइल टाइम पे मैं एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 39, ये वाला वैल्यू मैंने ऐड कर दिया. सो कंपाइल टाइम पे गाइज अगर मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दिया है तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली आपका एरे के अंडर एक और लोकेशन क्रिएट हो जाएगा. दिस टाइम ये इसको सी ऑफ फाइव बोला जाएगा, सी ऑफ फाइव बोला जाएगा. इस सी ऑफ फाइव में गाइज आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है विच इज नथिंग बट 39, ये 39 आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. एनी कन्फ्यूजन गाइज दोनों तरीकों में? आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, आई मीन यू कैन क्रिएट एरे लाइक दिस और आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. योर कॉल, योर कॉल. कोई कन्फ्यूजन किसी को? कोई कन्फ्यूजन गाइस?
नो अभी गुड। एक और वेरिएशन आता है गाइस इसमें, बट आई डोंट नो वेदर आई शुड गो अहेड एंड टेल यू, आई मीन शुड आई यू नो शो यू दैट, बट ठीक है, लेट्स से लेट्स ट्राई इट गाइस। लेट्स से इंटीजर डी नाम का एरे ले लिया मैंने गाइस। यहाँ पर अभी गाइस मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू मैं इंटीजर बोल रहा हूँ गाइस। इंटीजर की मैं साइज स्पेसिफाई करनी है गाइस मुझे। लेट्स से मैंने साइज स्पेसिफाई करनी थी 5, लाइक दिस, इस तरीके से मैंने साइज स्पेसिफाई करनी थी, या फिर लेट्स से 7 स्पेसिफाई करनी थी। इस तरीके से हम लोग सिर्फ एरे को डिक्लेयर और क्रिएट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं क्या गाइस? आर वी इनिशियलाइजिंग इट? नो राइट? नाउ गाइस हियर इंस्टेड ऑफ सेमी कोलन वी कैन गिव कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और यहाँ से साइज हटा देंगे, विल रिमूव द साइज फ्रॉम हियर। द मोमेंट हमने यहाँ से साइज हटा दिया, जो भी हमें डेटा स्टोर करना है गाइस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से -21, लेट्स से -33, लेट्स से -79, लेट्स से -81 गाइस, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया। अभी नाउ गाइस मैंने यहाँ पे साइज क्यों नहीं स्पेसिफाई किया? व्हाई आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द साइज ओवर हियर? बिकॉज मैं इनिशियलाइज यहीं पे कर रहा हूँ, राइट? यस और नो? ये 0th लोकेशन पे, ये फर्स्ट लोकेशन पे, ये सेकंड लोकेशन पे, ये थर्ड लोकेशन पे, लाइक दिस। आपका जो साइज है यहाँ पर गाइस आ जाएगा। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट, ये भी आपका तरीका करेक्ट है गाइस। यू मे गो अहेड विद दिस दिस टाइप एज वेल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट गाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स गाइस जिस तरीके से हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन एनी वन? आर वी गुड टिल हियर गाइस? इतना पार्ट सबको क्रिएट क्लियर है क्या? डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? यस और यस नो? सर, क्लियर। जाओ मैं आगे गाइस। राइट, सो आई एम गाइस सिंपली रिमूविंग ईच एंड एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, सिंपल गाइस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इनिशियलाइजेशन पार्ट होने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिट्रीव, हाउ वी कैन रिट्रीव द डेटा। डेटा रिट्रीवल कैसे होगा? डेटा रिट्रीव, डेटा गाइस आप एरे से डेटा कैसे एग्जैक्टली प्रिंट करा पाओगे? हाउ एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू प्रिंट द डेटा फ्रॉम एरे? आई शो यू गाइस व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस स्टेटमेंट। सिंपल गाइस, मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया गाइस। इस तरीके से मैंने एक एरे बनाया, फॉर एग्जाम्पल 21, लेट्स से 34, लेट्स से 57, लेट्स से -39, लेट्स से -55, लेट्स से गाइस मैंने 102, इस तरीके से कुछ एरे बनाया। नाउ ये जो मैंने एरे बनाया गाइस, एवरी वन, दिस पर्टिकुलर एरे जो मैंने फॉर्म किया, यहाँ पर मुझे साइज कहीं पर साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन? नो राइट? ये सुनो, अभी ये जो वैल्यू है गाइस, ये ए ऑफ 0 पे स्टोर किया होगा कि नहीं? ये सुनो, ये वाला यस वैल्यू ए ऑफ 0 पे स्टोर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ए ऑफ 1 पे, ये वाला ए ऑफ 2, ये ए ऑफ 3, ये ए ऑफ 4, ये ए ऑफ 5 पे स्टोर हो जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? ये सुनो, नाउ दिस वन यस गाइस, नेक्स्ट थिंग, अभी ये जो ए है, व्हाट इज दिस ए? ए क्या है? ए क्या है? ये मेरा एरे है, राइट? सो एरे के ऊपर क्या-क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग गाइस? व्हाट वी कैन डू हियर, देखो मोस्टली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मेथड दिख जाएगी, बट हियर यू कैन सी गाइस, लेंथ दिख रहा है आपको? लेंथ एवरीवन, ये लेंथ दिख रहा है? सो दिस लेंथ गाइस, लेंथ मेथड है क्या? इज दिस पर्टिकुलर लेंथ इज मेथड? ये लेंथ मेथड है क्या? यस और नो? नहीं, ये मेथड नो नहीं है, लेंथ एक वेरिएबल है। लेंथ है क्या है गाइस? दिस लेंथ इज वेरिएबल जो बिलोंग किसको करता है? ये आपके एरे को बिलोंग करता है गाइस। आपके एरे, सिंपली हमने जो एरे बनाया, एरे के अंडर एक लेंथ नाम का वेरिएबल है। ये वेरिएबल आपके एरे की लेंथ फाइंड आउट करके देता है। एरे की लेंथ कौन गाइस, इसका रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल रिटर्न क्या कर रहा है गाइस? दिस वन इंट, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है गाइस? सिंपल, तो लाइक यहां पर ए डॉट मैं लेंथ कर रहा हूँ गाइस, दिस वन, ये लेंथ मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा गाइस, इफ आई डू इट लाइक दिस, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एवरीवन, व्हाट एग्जैक्टली दिस गोइंग टू रिटर्न मी? मुझे उसका साइज मिल जाएगा, यस और नो? एवरीवन, मुझे एरे का साइज मिल जाएगा, एम आई राइट? यस और नो?
लेंथ मुझे रिटर्न क्या कर रहा था गाइस, दिस वन, ये लेंथ जो है आप देख सकते हो गाइस, इफ यू वांट, यहाँ पे होवर ओवर करने आ नहीं रहा है मुझे, ठीक है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन द, ओके, सो हियर गाइस, सिंपली ये इंटीजर मुझे साइज मिल गया, या फिर सिंपली गाइस व्हाट आई विल डू, सिंपली मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूँ, मैं ए डॉट लेंथ कर लेता हूँ, आई एम जस्ट सिंपली डूइंग द ए डॉट लेंथ, नाउ लेट मी गो अहेड रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज अ जावा एप्लीकेशन, नाउ सी गाइस व्हाट एग्जैक्टली इट इज प्रिंटिंग, इट इज प्रिंटिंग 6 गाइस, ये मुझे उसकी लेंथ 6 बोल रहा है, क्योंकि ये लेंथ यहाँ पर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, सो लेंथ हमें करेक्टली गाइस रिट्रीव करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये, ये सुनो एवरीवन, गॉट इट, सबको क्लियर है कि नहीं, लेंथ गाइस, लेंथ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, बट गाइस हमें इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है एरे का, ये 0 से होता है, जीरो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, लाइक दिस, ए एफ 0, ए एफ 1, ए एफ 2, ए एफ 3, ए एफ 4, ए एफ 5, नाउ गाइस मैं एक बात करता हूँ लाइक दिस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं ए को प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द एरे, मैं ए को प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, सो एरे प्रिंट हो रहा है लाइक दिस, क्या एरे के एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं गाइस, आर वी गेटिंग एरे का गाइस एलिमेंट्स, एरे का कोई भी एलिमेंट हमें मिल रहा है क्या, आर वी गेटिंग इट गाइस, डेफिनेटली नो, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस इंटरनली एरे का एक ऑब्जेक्ट बना, एक मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा होगा, ये ए एक मेमोरी लोकेशन है, यस और नो एवरीवन, यस और नो, ए एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में कौन सा डेटा प्रेजेंट है ये शोकेस नहीं करेगा, ये मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट द मेमोरी लोकेशन गाइस हियर लाइक दिस, अगर आप ऐसा करोगे तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एरे के अंडर गाइस जो एलिमेंट्स है, जो डेटा है, ये डेटा हम लोग फेच कैसे करेंगे, हाउ वी कैन फेच द डेटा, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो गाइस अगर मुझे जीरोथ लोकेशन का डेटा चाहिए, लेट से मुझे जीरोथ लोकेशन का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए ऑफ इंडेक्स ऑफ जीरो लगाऊंगा, अगर मैं ए इंडेक्स ऑफ जीरो यूज करूंगा तो वॉट आई एम गेटिंग गाइस, वॉट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग 21, ठीक है, यहाँ पर गाइस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल देते हैं साइज या फिर लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल्स टू लाइक दिस गाइस, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, नाउ लेट्स रन द कोड वंस अगेन गाइस, हियर नाउ यू कैन सी लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 6, एंड गाइस द मोमेंट मैं ए ऑफ जीरो बोल रहा हूँ, तो ए ऑफ जीरो के लिए गाइस मुझे प्रॉपरली जो जीरोथ लोकेशन पे डेटा है वो रिट्रीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एवरीवन यस और नो, बट अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग ना लगाऊं, ओनली ए को प्रिंट करने जाऊं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है इस डेटा को रिट्रीव करना, नो वी कैन नॉट डू इट, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर गाइज आपको इंडेक्सिंग में कौन से इंडेक्स से डेटा रिट्रीव करना है ये आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, वेन एवर यू आर रिट्रीविंग द डेटा, वेन एवर यू आर रिट्रीविंग द डेटा, अगर गाइज मुझे लेट्स से फर्स्ट लोकेशन का डेटा चाहिए, मुझे फर्स्ट लोकेशन का डेटा चाहिए तो मुझे यहाँ पर ए ऑफ 1 करना पड़ेगा, एम आई राइट, यस और नो, यस और नो गाइस, लाइक दिस यू कैन सी, मुझे अगर नेक्स्ट लोकेशन का डेटा चाहिए तो ये यहाँ पर मुझे ए ऑफ 2 करना पड़ेगा, सो गाइस इस तरीके से, डोंट यू थिंक अगर एरे के साइज बहुत ज्यादा होगी तो अगेन मैं लाइन ऑफ कोड मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ, यस और नो एवरीवन, यस सो क्या इसके अलावा गाइस एक ही, मैं एक ही एक्शन रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे पास गाइस हमने बेसिक बेसिक जब जावा का कोर जावा सीखा था उसमें कोई कॉन्सेप्ट सीखा था जो एक ही एक्शन को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, ऐसा कुछ सीखा था क्या गाइस, हमने कुछ सीखा था, याद आ रहा है गाइस कुछ, इंक्रीमेंटल फॉर लूप, फॉर लूप सीखा था याद है एवरीवन, लूप, लूप क्या करता है, एक ही ऑपरेशन को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, करेक्ट यस और नो एवरीवन, कैन वी राइट डाउन द लूप फॉर दिस, हम लोग लूप लगा सकते कि नहीं लगा सकते, यस और नो, लेट्स डू इट गाइस, हम यहाँ पर फॉर लूप लगाते, फॉर लूप गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर आई करके एक वेरिएबल लिया,
अच्छा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो। जीरो से स्टार्ट करूंगा, आई इक्वल्स टू जीरो, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, गाइज यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, यह है जीरो, यह है वन, यह है टू, यह है थ्री, यह है फोर, यह है फाइव, एम आई राइट? ये सुनो, सो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू फाइव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आई प्लस प्लस आ जाएगा, राइट एवरीवन? ये सुनो, यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं ए को प्रिंट करने जाऊंगा, तो गाइस अगर मैं ये इंडेक्स की वैल्यू एक बार जीरो, एक बार वन, ये एक बार टू अगर इंक्रीमेंट करूंगा, तो अगर मैं ये इंडेक्स की वैल्यू इसके अंडर स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर ये आई की वैल्यू प्रिंट करूँ, ये जीरो से लेके गाइस सिक्स टाइम रिपीट होगा कि नहीं होगा? ये सुनो, ये सुनो, रिपीट होगा कि नहीं होगा एवरीवन? और ये हमें स्पेसिफिक लोकेशन का डेटा रिट्रीव करके देगा ना कि नहीं? यस और नो, वी आर गेटिंग आर डेटा और नॉट एवरीवन? आर वी गेटिंग आर डेटा इन अ सिंगल लाइन और नॉट? यस और नो? ओके, सो गाइस मैंने ऐसा क्यों किया? फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, व्हाई व्हाई एग्जैक्टली वी आर डूइंग लाइक दिस? लाइक गाइस हियर, अगर आप देखोगे ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, इस तरीके से मुझे प्रिंट करना है, तो ये जीरो, ये वन, ये टू, ये क्या है गाइस? ये इंडेक्सिंग वैल्यू है एरे का कि नहीं? ये सुनो एवरी वन, ये सुनो, ये एरे का इंडेक्सिंग वैल्यू है ये जीरो, ये वन, ये टू, एग्री और नॉट? ये सुनो, सो नाउ गाइस मुझे एक समझ रहा है कि यहाँ पर एरे का ये जो ए है ये तो एकदम करेक्ट है, ये तो एरे है, बट ये जो इंडेक्सिंग का वैल्यू ये चेंज होने वाला है। सो अगर मैं कुछ ऐसा फॉर लूप लगाऊँ जो कि स्टार्ट होगा इंटीजर, गाइस आई इक्वल्स टू जीरो, मैं जीरो से क्यों स्टार्ट करूँगा? क्योंकि इंडेक्सिंग मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा? इट विल स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा गाइस, इसीलिए मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अगर मैं आगे जाता हूँ गाइस, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, गाइस लेस देन इक्वल्स टू, जैसे मैंने देखा ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, तो मैं आई शुड बी लेस देन फाइव तक चले जाऊंगा गाइस लाइक दिस। और अगर मैं आई प्लस प्लस करूंगा, इफ आई डू इट लाइक दिस, इफ आई डू इट लाइक दिस गाइस, अगर मैं इस तरीके से करूंगा, तो गाइस अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, सिर्फ मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ गाइस दिस टाइम, तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? ये जीरो से फाइव तक प्रिंट होगा कि नहीं होगा गाइस? ये सुनो दिस वन, ये जीरो से फाइव तक प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सुनो गाइस, अगर ये जीरो टू फाइव प्रिंट हो रहा है, अगर मैं इसको एरे के इंडेक्स में पास कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा? ये सुनो, ये सुनो, ये एरे के जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा और उस इंडेक्स पे जो डेटा है उसको रिट्रीव करेगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? लेट मी कमेंट दिस सेक्शन। Instead doing this, guys, मैंने इस तरीके से फॉर लूप लगा दिया, एंड नाउ लेट मी रन द कोड, आई एम गेटिंग 21, 34, 57, 39, माइनस 39, माइनस 55 एंड 102। क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? एनीवन? एनी क्वेश्चंस गाइस? एनी क्वेश्चंस? क्लियर हुआ ये? सचिन समझा है? गायत्री, अंकिता, क्लियर है ये? प्रीति, कोई क्वेश्चन? दीपाली, कोई क्वेश्चन? किसी को भी गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? राघव, यतीश, एनीवन गाइस, कोई क्वेश्चंस है तो बताओ। क्लियर सबको? अभिजीत, तुषार, राघव, क्लियर है ये? ठीक है, सो सिंपली विल यूज द फॉर लूप, और फॉर लूप के कॉन्सेप्ट से हम लोग गाइस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। वी कैन डू इट। मैंने फॉरिच लूप सिखाया था गाइस आपको लास्ट टाइम? फॉरिच लूप समझाया था क्या कि नहीं? नहीं बताया था? ओके ठीक है, एक और तरीका है गाइस, इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, एक और तरीका है, हम लोग इसको फॉरिच लूप भी लगा सकते। तो फॉरिच लूप कैसे होता है ना गाइस? फॉरिच लूप में सिंपली आप फॉर लूप लगाते हो लाइक दिस, यू कैन राइट डाउन द फॉर लूप। अभी इस फॉर लूप में आपको डेटा कहाँ से रिट्रीव करना है? डेटा कहाँ से रिट्रीव करना है? इस एरे से करना है? यस और नो एवरीवन?
तो ये एरे या फिर जो भी डेटा है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स आप लोग दोगे, ये फॉर इच लूप क्या करेगा, वो ईच टाइम रिपीट करेगा। अभी ईच टाइम जब रिपीट करेगा गाइस, जब ये फॉर इच लूप मतलब फॉर लूप हर टाइम जब रिपीट करेगा, इसको जो डेटा मिलेगा यहाँ से, ये डेटा कौन से फॉर्मेट में गाइस, इसका डेटा टाइप कौन सा है, इसका डेटा टाइप कौन सा है गाइस, ईच टाइम जब रिपीट होगा मुझे कौन से टाइप का डेटा मिलेगा, इंटीजर टाइप का डेटा मिलेगा कि नहीं, ये सुनो। तो यहाँ पर गाइस मुझे इंटीजर लिखना है, मुझे वेरिएबल का नाम देना है, वेरिएबल का नेम फॉर एग्जांपल गाइस मैंने डेटा दे दिया। इससे गाइस इससे क्या होगा, ये फॉर लूप हर बार रिपीट करेगा, रिपीट करेगा जब तक यहाँ इसमें डेटा है तब तक। ये गाइस सिंपली क्या होता है ना, ये जो ए है ये आपका एज एन इनपुट है, ये एज ए इनपुट जाएगा, इसमें से ईच टाइम आपका डेटा इस डेटा वाले वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा, और इस डेटा वेरिएबल का गाइस, ये जो डेटा वेरिएबल है इसका डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप कौन सा है गाइस, इंटीजर है। नाउ मुझे ये इंटीजर डेटा मिल गया, यस और नो एवरीवन, आई गॉट द डेटा और नॉट, यस और नो। तो अगर मुझे डेटा मिल गया तो सिंपली आई कैन गो अहेड एंड आई कैन प्रिंट द डेटा ओवर हियर, मैं यहाँ पर डेटा प्रिंट करूंगा। सो फॉर अ टाइम बिंग गाइस मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कमेंट भी कर देता हूँ, लेट मी कमेंट दिस गाइस। स्टिल अगर मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ, इस वाले फॉरिच लूप से भी गाइस डेटा मुझे रिट्रीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो, एवरीवन एवरीवन वी आर एबल टू फेच द डेटा, राइट। तो ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का फॉर लूप है, ये कलेक्शन पे यूज किया जाता है गाइस, जब भी जावा में हम लोग कलेक्शन पे काम करते हैं, कलेक्शन में गाइस ये फॉरिच लूप यूज किया जाता है। तो फॉरिच लूप का गाइस, फॉरिच लूप का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स गाइस फॉरिच लूप का सिंटैक्स कैसे है, आप फॉर लूप यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, यू विल प्रिपेयर द फॉर लूप लाइक दिस, इस तरीके से गाइस आप फॉर लूप प्रिपेयर करोगे। फॉर लूप में आप यहाँ पर गाइस सिंपली फॉर लूप में आप सबसे पहले डेटा टाइप दोगे, यू विल गिव द डेटा टाइप, डेटा टाइप के आगे गाइस आपका वेरिएबल नेम आ जाएगा, वेरिएबल नेम के आगे कोलन लगाओगे, कोलन के आगे गाइस या तो आप एरे, एरे या तो कलेक्शन, एरे या तो कलेक्शन, एरे या तो कलेक्शन, अभी मैंने कलेक्शन नहीं पढ़ा तो मैं कलेक्शन को हटा देता हूँ, मैं एरे बोल देता हूँ। सो ये जो एरे है गाइस, एरे से हर बार डेटा आपका इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये वेरिएबल इस वाले डेटा टाइप का होगा, और ये खुद को अपने हिसाब से गाइस जब तक इस एरे के अंडर डेटा है, ईच टाइम गाइस रिपीट करेगा, और ये फॉर लूप आपको आपका डेटा रिट्रीव करके देगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो, यस और नो गाइस एवरीवन, फॉर इच लूप क्लियर है कि नहीं, आएंगे हम लोग इस फॉर इच लूप पे, डोंट वरी, विल डिस्कस अबाउट दिस वेरी सुन, हम इस फॉर इच लूप को गाइस डेफिनेटली बहुत जल्दी ही देखेंगे। नाउ गाइस आई आई वॉन्ट टू रन इट, देखो मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, तो टुडे लेट्स ट्राई टू रिट्रीव द डेटा बाई यूजिंग नॉर्मल फॉर लूप, बिना गाइस नॉर्मल फॉर लूप से हम लोग डेटा रिट्रीव करने का ट्राई करते हैं। अगर ये आई इक्वल्स टू 0 है, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और आई प्लस प्लस है गाइस, अगर मैं ऐसा भी करूंगा तो भी डेटा रिट्रीव होगा कि नहीं होगा, ये सुनो एवरी वन, हियर माई डेटा विल बी रिट्रीव्ड और नॉट, ये सुनो। बट गाइस यहाँ पर मैं ये जो है, ये जो साइज है, ये साइज मैं फिक्स दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुझे 5 टाइम ही रिपीट करना है, बट अगर ऐसा हो गया गाइस, गलती से जस्ट 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 गाइस आप ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, यहाँ पर अगर गलती से एक मैंने डेटा ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल 133, मैंने 133 गाइस डेटा ऐड करने का ट्राई किया, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो अगर मैं इस फॉर लूप को रन करूँ गाइस, तो डेटा मुझे कहाँ तक का आ रहा है, डेटा कहाँ तक का रिट्रीव हो रहा है गाइस, डेटा मुझे 102 तक का ही रिट्रीव हो रहा है, ये 133 का डेटा क्यों रिट्रीव नहीं हुआ गाइस, वाई आप लोग बताओगे मुझे, ये 133 का डेटा रिट्रीव क्यों नहीं हुआ, या फिर लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर 177 ये वाला डेटा भी ऐड कर दिया, नाउ मैं इन डेटा को रिट्रीव करने का ट्राई कर रहा हूँ, यही मेरा फॉर लूप है, इज इट एबल टू रिट्रीव द डेटा गाइस, 133 और 177 ये वैल्यू को रिट्रीव कर पा रहा है क्या, नो क्यों नहीं कर रहा है गाइस, व्हाट इज द रीजन, रूट कॉज क्या है इसका, साइज
साइज मैंने फिल्टर यहाँ है पर जो है ये क्या फिक्स कर दिया है, तो इस तरीके से अगर हम लोग साइज देंगे तो इज इट रियली करेक्ट, इज इट रियली करेक्ट? नो नो। तो ये डायनेमिकली होना चाहिए गाइस, हमारा डेटा इंक्रीज हो डिक्रीज हो ये साइज अपने आप खुद खुद से एडजस्ट कर लेना चाहिए, करेक्ट? ये सुनो, तो यस गाइस अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ लेस देन 5 बोलने से अच्छा मुझे इसकी ए डॉट लेंथ अगर मैं फाइंड आउट करूँ, तो ये लेंथ भी मुझे डेटा रिटर्न कौन से टाइप में करता है? इंटीजर में इंटीजर करता है गाइस। इंटीजर तो अभी ये आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लेंथ जाएगा गाइस। अभी लेंथ कितना है इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर ये 0 से स्टार्ट करेगा और ये शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8 तक जाएगा, मतलब ये लूप 9 टाइम रिपीट होगा कि नहीं होगा गाइस? ये सुनो, यस 0 से स्टार्ट यस किया है मैंने, लेस देन इक्वल्स टू 8 तक बोल रहा हूँ, मतलब ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, देखो 0 फिर 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 5 6 7 तक जाएगा, बट आपने शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 8 बोला है, 8th लोकेशन का। गाइस गाइस यहाँ पर 8th लोकेशन पे डेटा है क्या? नहीं नहीं है ना। तो मैं गाइस ऐसे ही इसको रन करके देखता हूँ, मुझे डेटा तो रिट्रीव हो रहा है गाइस, डेटा तो रिट्रीव हो रहा है, बट एक एक्सेप्शन भी आ रहा है ना, एक एक्सेप्शन भी आ रहा है गाइस। व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? जावा डॉट लैंग गाइस, एक्सेप्शन का नाम क्या है? दिस वन, एक्सेप्शन का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये एरे का इंडेक्स के बाहर जा रहा है, क्योंकि गाइज अगर आप इंडेक्स देखोगे यहाँ पर इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक ही इंडेक्स है, बट आप 8th इंडेक्स का भी डेटा रिट्रीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये करेक्ट है क्या? डेफिनेटली गाइज 8th इंडेक्स पे कोई डेटा नहीं है, तो एरे आपको एक एक्सेप्शन देगा, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो आप अभी मुझे बताओ गाइज इसने कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? कंपाइलेशन कोई एरर है क्या इसमें? कंपाइलेशन में कोई एरर है क्या हमारा? नहीं ना, नो ये रन टाइम पे ही डिटरमाइन होगा ना गाइज, कि लोकेशन जब हम लोग चेक करेंगे अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा नहीं मिला तभी तो जाके हमें रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगा, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एम आई राइट? Am I right, everyone? Yes or no? Yes or no? तो how to resolve this, guys? How to resolve this? अगर मैं यहां से equals to हटा दू और less रखू तो ये कहां तक जाएगा guys? सेवन तक 7 तक जाएगा, राइट? और अगर गाइज मैं इस कोड को रन करूँ, आई एम गेटिंग ऑल द डेटा, एम आई गेटिंग एनी एक्सेप्शन नाउ दिस टाइम? एम आई गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन गाइज? नो। कैन वी राइट अ लूप लाइक दिस गाइस? ऐसा लूप हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एवरीवन एवरीवन गाइस, कैन वी यस राइट अ लूप लाइक दिस? अगर आपको इक्वल्स टू मार्क देना ही है यहाँ पर, अगर इक्वल्स टू मार्क देना ही है तो यहाँ से आपको -1 भी करना पड़ेगा, एम आई राइट? यस और नो? यस और नो? ऐसा क्यों करना पड़ेगा गाइस? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एरे का लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट होता है गाइस। लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरे का साइज, दैट इज गाइस एरे एरे डॉट लेंथ, उसका लेंथ आप फाइंड आउट करोगे, लेंथ -1 करोगे तभी तो जाके आपको लास्ट इंडेक्स मिलेगा। लास्ट इंडेक्स गाइस, लास्ट इंडेक्स से आपको -1 क्यों करना पड़ेगा? उसके साइज से -1 करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइज आपका 1 से स्टार्ट होता है, बट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस? योर इंडेक्स स्टार्ट्स विथ जीरो। 0, दैट इज द रीजन गाइज आपको यहाँ पर लेंथ -1 करना पड़ेगा। सो गाइज इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, यहाँ से इक्वल्स टू हटा देते, ऐसा रख देते अपने लूप को। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम गाइज? वी आर गुड राइट? स्टिल अगर आप चाहते हो आई कैन डू इट, मैं यहाँ पर लेंथ -1 करके भी दिखाता हूँ आपको, फिर भी गाइज मुझे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, इट विल वर्क सिमिलरली, सेम तरीके से ही गाइज काम करेगा। ओके कुल, सो गाइज बट आई विल नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, सिंपली आई 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 गिव इट लाइक दिस एंड गाइज डन, योर कोड इज रनिंग वेरी वेरी इजीली। हाउ टू रिट्रीव अ डेटा गाइज, डेटा फॉर लूप से रिट्रीव किया जाता है, ये क्लियर हुआ सबको गाइज? हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम एरे, फ्रॉम एन एरे, एवरी वन?
कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अभी। सबको क्लियर है गाइज ये पॉइंट कि नहीं? ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं गाइज? यस और नो? यस मैं रिमूव करूँ कमेंटेड सेक्शन गाइज, यहाँ से चलेगा राइट सबको? दिस वन गाइज फॉर इच लूप, आई विल टेक दिस पार्ट गाइज लेटर, आई विल टेक दिस पार्ट लेटर ऑन, ठीक है? तो इस तरीके से गाइज हम लोग फॉर लूप से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। आपको आज गाइज अलग अलग तरीके जो मैंने समझा है एरे के, एरे को आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करके गाइज एरे से डेटा रिट्रीव करने का ट्राई करना है। कर पाओगे? कर पाओगे गाइज कि नहीं? ये सुनो। अच्छा गाइज मेरे पास बहुत सारे डेटा है, लेट्स से मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी। अगर उस एम्प्लॉय का इंडेक्स है मेरे पास, अगर उस एम्प्लॉय का इंडेक्स है तो इंडेक्स से डायरेक्टली गाइज उस एम्प्लॉय का डेटा मैं रिट्रीव कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल कि नहीं? ये सुनो। फॉर एग्जाम्पल गाइज हियर आई गो अहेड एंड आई डू दिस लाइक दिस गाइज। अगर मैं ए ऑफ लेट्स से गाइज इंडेक्स ऑफ 5 पे मेरा डेटा है, अगर मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूँ तो मेरा डेटा रिट्रीव होगा कि नहीं होगा? ये सुनो। विल बी माई डेटा विल बी रिट्रीव्ड ऑन गाइज हियर, माई डेटा इज गेटिंग रिट्रीव्ड ऑन नॉट? ये सुनो। फॉर एग्जाम्पल गाइज ये मेरा रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है जो मुझे एक्सपेक्टेड था। एम आई एबल टू फेच द डेटा और नॉट एवरी वन? यस और नो? सी हियर, एम आई एबल टू फेच द डेटा और नॉट? कर पा रहा हो कि नहीं कर पा रहा हो गाइस? मैं तो एरे फास्ट है कि नहीं गाइस? यस और नो? अगर आप देखोगे एरे फास्ट भी है, और दूसरा गाइस एरे, अगर हमारे पास एरे में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट है तो एरे में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट से डेटा रिट्रीव करना, डेटा ग्राब करना ईजी है कि नहीं है, कि डिफिकल्ट है? वेरी इजी राइट एवरीवन? वी कैन गेट द डेटा वेरी इजीली इफ यू नो द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द एग्जैक्ट इंडेक्स गाइज, यू नो ट्रैवर्सिंग थ्रू द एरे इज वेरी इजी, एरे में ट्रैवर्स करना इट्स वेरी इजी। कोई कन्फ्यूजन गाइज इन वाले पॉइंट में? एरे फास्ट क्यों है, एरे में हम लोग सिमिलर डेटा टाइप ही क्यों स्टोर करते हैं, एरे में इंडेक्सिंग से गाइज डेटा कैसे रिट्रीव करते, कोई कन्फ्यूजन किसी को? ये गाइज धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बिल्ट इन मेथड नहीं है, मेमोरी वेस्टेज तो ये गाइस हमने डिस्कस कर लिया। अभी गाइस हम लोग अगर डिफरेंट टाइप का डेटा, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, लेट्स से गाइस मैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो, विल आई बी एबल टू डू दिस गाइस एवरीवन? या फिर लेट्स से मैं लेट्स से 3.14 ये वाली वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ, विल बी गाइस दिस विल वर्क? विल दिस वर्क? डेफिनेटली नो, क्योंकि गाइज ये एरे जो ए है ये इंटीजर टाइप का एरे है जो कि सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा को ही स्टोर कर सकता है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या फिर डेटा टाइप्स को ये स्टोर करने में कैपेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है ना सबको गाइज कि नहीं? उसके बिना फिर जो डेटा ज्यादा होता है उसी में अभी सारे Yes, जब हमारे पास सिमिलर डेटा, मतलब देखो ऐसा ज्यादा होता ऐसा नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल इतना भी डेटा है मेरे पास, तो अगर इतना डेटा है तो मुझे क्या करना होता यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, लेट्स से इंटीजर यहाँ पर कुछ नंबर वन करके ऐसा हम स्टोर करते हैं, नंबर वन इज इक्वल्स टू 21 लाइक दिस, करेक्ट? फिर हम इंटीजर नंबर टू इक्वल्स टू क्या करते हैं? 34, करेक्ट? फिर मैं इंटीजर नंबर थ्री करके स्टोर करता विच इज नथिंग बट 57। तो अगर मैं इस तरीके से हर बार वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और इनिशियलाइज भी करूंगा तो क्या होता है ना, मेमोरी के अंडर उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है, मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होते हैं इन शॉर्ट लाइक दिस। अगर आप सोचो यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन, ऐसे जब जितने मेमोरी लोकेशन इंक्रीज होंगे तो डोंट यू थिंक, अगर मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत सारा मेमोरी लोकेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा राइट? डेफिनेटली, जैसे हम मल्टीपल ऐप ओपन करते हैं हमारे फोन में तो रैम जैसे कम गिरता है, फोन थोड़ा सा लैग होना शुरू हो जाता है, करेक्ट? इन द सेम वे अगर आप अपने प्रोजेक्ट में मेमोरी, मतलब वो ये कहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा? डेफिनेटली रैम के अंडर करेगा।
तो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा तो आपका प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो ये परफॉर्मेंस डिक्रीज होने के लिए दिस इज नॉट द कन्वीनियंट वे। व्हेन यू हैव, देखो ये आपके पास डेटा है और ये सिमिलर टाइप का है। व्हेन यू हैव सिमिलर टाइप का डेटा, उसको ग्रुप करते हो, आप कलेक्ट करते हो, कलेक्शन बनाते हो, जिसको आप एरे बोलते हो, वेर यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा एट अ टाइम इन अ सिंगल मेमोरी लोकेशन। जो कि इस तरीके से मल्टीपल मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट हुए, एक ही मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ जिसके अंडर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू डेटा स्टोर हुआ। गॉट इट? यस क्लियर? सो दैट इज द रीजन। अभी एरे में क्या होता है ना, कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है इसमें कन्वर्जन नहीं होता। रैपर क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन के अंडर जो डेटा है, डेटा को कास्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, या फिर इन शॉर्ट कन्वर्जन होता है, रैपर कन्वर्जन होता है। सो ये रैपर कन्वर्जन इंटरनली होता है, हमें नहीं पता चलता है, इट टेक्स टाइम। इससे अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट स्लो होता है जब आपके पास मल्टीपल डेटा है, यहाँ पर रैपर कन्वर्जन नहीं होता। इसीलिए एरे इज वेरी फास्ट, एरे इज वेरी फास्ट, एरे बहुत फास्ट है, रैपर कन्वर्जन नहीं होता। ये अगर लेट्स से माइक्रो सेकेंड का टाइम ले रहा है ना, ये नैनो सेकेंड से भी बहुत कम टाइम लेगा डेटा को रिट्रीव करने के लिए। दैट इज द रीजन एरे इज ऑलवेज अ फास्ट, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड इफ यू हैव सिमिलर टाइप का मल्टीपल डेटा, उसको एक ही लोकेशन में एरे के थ्रू स्टोर करो। ओके, बिकॉज ये फास्ट है, यहाँ से डेटा आप इजीली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट आप रिट्रीव कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। ओके, गॉट इट? और कोई क्वेरी किसी को गाइस?